में हुआ भयानक तेल संकट, 90% पेट्रोल पंप बंद। आखिर ब्रिटेन में क्यों आई ऐसी नौबत? दोस्तों, जिस देश का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वह देश इन दिनों भयानक तेल संकट का सामना कर रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि ब्रिटेन के 90% पेट्रोल पंप में फ्यूल खत्म हो चुका है। घबराए लोग जल्द से जल्द पेट्रोल खरीदने के लिए यहां वहां भटक रहे हैं। इससे जिन पेट्रोल पंप पर सप्लाई चालू है, वहां पर भी अफरा तफरी मच चुकी है। ईंधन की कमी के कारण न केवल खाने पीने के सामान की भारी किल्लत हो गई है, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी बुरा हाल है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इसका असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, ब्रिटेन में कई पेट्रोल पंप को ड्राई घोषित करने के बाद बंद करना पड़ा है। गैस स्टेशन पर भी यही हाल है। ब्रिटेन में पेट्रोल पंप विक्रेता के संगठन पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन यानी PRA ने बताया है कि कुछ क्षेत्रों में 60-90% पंप बंद करने पड़े हैं। इन पंपों में डीजल, पेट्रोल और गैस खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे में ब्रिटेन को भारी तेल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो आपको बता दें, ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल की कमी का कारण ट्रक ड्राइवर की भारी कमी बताई जा रही है। इस कारण से ब्रिटेन की सप्लाई चेन में गड़बड़ी आ रही है। रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक तेल नहीं पहुंच पा रहा है। बड़े संख्या में ट्रक सड़कों के किनारे खड़ा है, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि पूरे ब्रिटेन में तेल की कमी का हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खाने पीने की सामान में आई कमी को रोकने के लिए लाखों पाउंड खर्च करने का ऐलान किया है। दोस्तों, वाकई में ब्रिटेन का हाल काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में ऑयल क्राइसिस ब्रिटेन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको इस न्यूज के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।